आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। एक एक करके सॉल्व करते हैं रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है करने में, ठीक है। ये प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस का 11/5। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस को रिजॉल्व करते हैं। 4/3 प्लस 3/5। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंटीजर रूल माइनस। माइनस 2/3, सिमिलरली हियर प्लस माइनस माइनस। अब हमें रीअरेंजमेंट से मतलब ये है, इसमें एलसीएम क्या है 3 और इसमें भी डेसिम मतलब डिनोमिनेटर 3 है, इसमें 5 है, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4/3 माइनस 2/3 एक संग सॉल्व हो जाएगा और प्लस का 3/5 और माइनस 11/5 एक संग सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 2/3 और ये बचेगा माइनस का 11/3 क्या 8/5। बिकॉज इंटीजर रूल के हिसाब से क्या होता है कि जो बड़ा होता है वो साइन आता है, 11 इज ग्रेटर 11 माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 5 15, 5 2 10, 5 3 8 3 24। 24 में 10 गया माइनस का 14/15। सो फर्स्ट पार्ट को रीअरेंज करके सॉल्व करने पे वी गेट द आंसर माइनस 14/15। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, माइनस 8/3 प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 11/6 और प्लस 3/8। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे, पहले माइनस प्लस के साइन को रिजॉल्व करते हैं। तो माइनस 8/3 प्लस माइनस माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस 11/6 और प्लस का 3/8। अब अगर इसमें रीअरेंजमेंट देखें तो देखिए 1/4 और माइनस 1/4 और प्लस का 3/8 एक संग आ जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 और ऐसे ही माइनस 8/3 माइनस 11/6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस 8/3 और माइनस का 11/6 को एक संग रखते हैं, माइनस 1/4 प्लस 3/8 को साथ में रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम एलसीएम 6 लिख लेंगे तो माइनस का 16 माइनस 11, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी ये हो जाएगा माइनस 4 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो एक तरीके से माइनस 2/8। कहने का मतलब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं माइनस का 16 प्लस 11 तो 7, 27/6 और ये हो जाएगा प्लस का 1/8। अब 6 और 8 का एलसीएम, अभी तो फिलहाल यहाँ 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए 6 4 जा माइनस 27 इंटू 4 प्लस 8 3 जा तो 1 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे, माइनस 27 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर देते हैं, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 108 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24। अब 108 से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 105 अपॉन 24। अब अगर देखिए तो दोनों डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, दोनों 3 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे, तो लिखेंगे माइनस 3 3 9, 3 5 15 और 8 3 24। तो यू कैन से सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया माइनस का 35/8, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां से कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, तो माइनस का 13/20 प्लस 11/14 और माइनस प्लस यहीं पे कर देते हैं माइनस का 5/7 प्लस का 7/10। इसमें जब हम करेंगे अरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में देखिए ये 20 और 10 वाले टर्म एक संग, 14 और 7 वाले टर्म एक संग। कहने का मतलब माइनस का 13/20 और प्लस का 7/10 एक संग सॉल्व करेंगे और 11/40 और माइनस का 5/7 साथ में करेंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको भी, तो इसका एलसीएम 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13 और प्लस का 14। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम आप क्या लेंगे, 14, तो ये तो 11 रहेगा बट ये डबल हो गया 10। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि 14 में 13 गया 1, तो 1/20 प्लस 1/14। 14 और 20 का कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, हम डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देते, ज्यादा इजी रहता है।
यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 20। अब इसको रिड्यूस कर लेंगे तो 34 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 20 into 40। नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज इसको रिड्यूस करेंगे। तो देखिए 2 से काटिए, 2 17 जा 2 10 जा, इट मीन्स वी गेट आंसर 17/140। फर्दर इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, सो दैट मीन्स इट इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट विच इज फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज माइनस का 6/7। नेक्स्ट क्या था, -6/7 +-5/6 +-5/6 एंड नेक्स्ट +-4/9 एंड लास्ट इज +-15/7। ठीक है, सेम इसमें भी 6 और 9 वाले टर्म को एक संग पहले प्लस माइनस को रिजॉल्व कर लेते हैं। -6/7 +-5/6 +-4/9 +-5/7। अब इसमें ग्रुपिंग कैसे होगी, 7 वाले जो डिनोमिनेटर वो एक संग, बाकी दोनों एक संग। तो माइनस का 6 और -15 क्योंकि सेम है, एक संग लिख दिया। ठीक है, और -5/6 -4/9। अब ये तो हो गया -15 + 6 21/7। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 3 6 3 = 18, तो 5 3 = 15 और माइनस का 9 2 = तो 4 2 = 8। इट मीन्स ये तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 3 -3 और -15 और 8 23/18। अगेन एलसीएम लीजिए, ठीक है, क्या एलसीएम आएगा, 18। अब 18 3 = 54 हो जाएगा। ठीक है, तो -54 -23, आंसर आ गया -77/18। फर्दर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।